Hello student, welcome to BDSC online classes. I study class 10 topic area related to circle. Student, area related to circle में हमने area of sector and area of segment, ठीक है, area of circle के बारे में study start की है, जिसको लेकर के हम exercise 12.2 जो कि क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक से गिवन है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम एरिया ऑफ सेक्टर के फार्मूले से, एरिया ऑफ सर्किल के फार्मूले से और एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर और मेजर सेगमेंट के फार्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है हमारा फिफ्थ का, कह रहा है इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे सर्किल का कितना है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ थीटा जो है वो सेक्टर का एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो द सेंटर एट 60 डिग्री, एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। पहली चीज हमसे पूछी जा रही है लेंथ ऑफ द आर्क। तो फर्स्ट फार्मूला, लेंथ ऑफ द आर्क, तो फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, 2 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 21, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 डिग्री। नाउ 7 3 4 21 0 0 6 6 4 36 3 2 6 2 से 2 कैंसिल, यानी आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ द एरिया, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क कितने सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट लेंथ ऑफ द आर्क स्टूडेंट आप समझ होंगे, जैसे कि हमारा सेक्टर है, ठीक, तो ये हमारा 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर का रेडियस और ये 60 डिग्री, तो लेंथ ऑफ द आर्क मींस ये लेंथ ऑफ द आर्क है जो कि हमारा 22 सेंटीमीटर, ठीक। अब अगला प्रॉब्लम है, कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड बाय द आर्क। अब एरिया ऑफ द सेक्टर पूछ रहा है, तो चलिए एरिया ऑफ द सेक्टर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। नाउ सॉल्व करेंगे, 22 अपॉन 7, 21 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 360 डिग्री, 0 6 6 36 7 3 4 3 2 6 और 2 11 4, ठीक है। तो ये आ गया 21 मल्टीप्लाई 11 1 11 20 एंड 20 सेंटीमीटर, ये आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ द सेगमेंट फाइंड बाय द करेस्पॉन्डिंग कर्व, यानी हमसे जो पूछा जा रहा था थर्ड नंबर पे वो ये पूछा गया, ये हमारा एरिया ऑफ द ये सेगमेंट पूछा गया, ये हिस्सा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर है जिससे सर्किल बना हुआ है, ये 60 डिग्री है, ये 21 है, ये 22 है, तो ऑटोमेटिक बेटा ये 60 डिग्री है, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ए एंड बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये साइड ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, तो यानी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल
इज इक्वल टू होगा रूट थ्री अपॉन फोर इंटू साइड का साइड स्क्वायर. तो रूट थ्री अपॉन फोर साइड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. तो 441 अपॉन फोर रूट थ्री सेंटीमीटर. ठीक स्टूडेंट, इसे सॉल्व करें. तो अगला हमें एरिया ऑफ सर्कल पता है. तो एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट इसे हम बोलेंगे माइनस सेगमेंट. इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी. एरिया ऑफ इनर ट्रायंगल भी बोल सकते हैं या एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी. तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने पहले निकाल रखा है, ये 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 441 रूट थ्री अपॉन फोर सेंटीमीटर, ठीक है. अब इसे और भी ज्यादा सम किया जाता है, जैसे 231 माइनस 441 मल्टीप्लाई 1.73, ठीक है, अपॉन फोर. नाउ 4 × 4 फोर थ्री चार 441 में 1.73 का मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन फोर मल्टीप्लाई 1.7. अब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो इसका एक आंसर और आएगा, ठीक है. अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फोर से डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा. और नई बुक में यही तक आंसर आ गया, ये बुक की आंसर, ठीक. नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम नंबर 6, आइए देखते हैं सॉल्यूशन 6. सॉल्यूशन 6 में भी हमें एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है. तो एरिया ऑफ सेगमेंट बताने के लिए हमें इसकी जरूरत है एरिया ऑफ सेक्टर की, एरिया ऑफ ट्रायंगल की और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की. तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 6 में एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं. एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. चलिए देखते हैं. एक कर्व ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, रेडियस हमें पता है 50 सेंटीमीटर. नेक्स्ट सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू पता है 60 डिग्री. तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, क्या होगा 3.14, आर की वैल्यू 15 × 15, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, 0664 36, ठीक है. 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, ठीक. 2 से इसको सबट्रैक्ट करें, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, मल्टीप्लाई 5 × 15, ठीक है. 2 से कैंसिल हो जाए, ठीक. 15 × 7 = 105, ठीक है. 15 × 5 = 75 में 10 ऐड करेंगे तो 85 हो जाएगा. 15 × 1 = 15, ठीक है, तो 20, ठीक है. मल्टीप्लाई 5 × 5 = 25 5 × 5 = 25 27, 5 × 3 = 15, 15 = 16 17, 5 × 2 = 10 और 1 = 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर.
ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 250। स्टूडेंट जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ सर्किल हमारा जो आएगा एरिया ऑफ सर्किल हमारा आ जाएगा 706.5। क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे टी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलिए फिगर देखते हैं। ये हमारा सर्किल है, ये हमारा कर्व है, ये रेडियस है, रेडियस 15 है, ये एंगल पता है 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिक ए भी 60 होगा, ए भी 60 होगा, तो ए बी सी इज अ इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए ओ ए ओ बी एंड ए इक्वल साइड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू होगा रूट 3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, तो रूट 3 की वैल्यू 1.73 गिवन है, 1.73 मल्टीप्लाई साइड 15 × 4 ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल आ जाएगा 97.3125 सेंटीमीटर, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। चलिए अब एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फार्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा है ये निकला है एरिया ऑफ सेक्टर 117.75 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 97.31 ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 × 7 = 4, 7 × 7 = 0, 11 × 9 = 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसे हम सर्किल को भी लिख सकते हैं ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट हमारे चलिए एरिया ऑफ मेजर से, एरिया ऑफ माइनर के बाद क्या है मेजर सेगमेंट फार्मूला होगा एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सर्किल हम लोगों ने स्टूडेंट निकाल लिया है कितना, एरिया ऑफ सर्किल ये है 706.5, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट सेगमेंट
which is equal to area of circle as 706.5, or area of square minus second 20.44. चलिए 6 4 0 6 10 में से 2 है 8 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ गया 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट एप्रोक्सीमेशन में हम इस वैल्यू को निकालते हैं। तो आज हम लोगों ने सिर्फ क्या सीखा, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। दूसरा मैंने सीखा एरिया ऑफ सेक्टर, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। फिर मैंने सीखा एरिया ऑफ सर्किल, पाई आर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ सर्किल के बाद एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, आर एंगल आर इक्वल, तो उसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। इन सब फार्मूलों पर आज की बेसिकली सवाल थी, और अगर हम फार्मूले याद कर लें तो आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।